लोकसभा चुनाव प्रचार थमने के चंद घंटे पहले जोधपुर में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सीएम गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी अपने पुत्र वैभव का प्रचार करने शहर में पैदल रोड शो करने निकले। फतेहपोल से शुरू हुआ उनका यह जनसंपर्क अभियान तेज गति के साथ घंटाघर की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले शहर की संकरी गलियों से होकर के फतेहपोल पहुंचने के लिए एक मुख्यमंत्री एक ऑटो में सवार होकर पहुंचे। वहां से वे जोश से लबरेज कार्यकर्ताओं और पार्टी प्रत्याशी वैभव को साथ में गाजबाजे के साथ में भीतरी शहर की गलियों में रोशो के जरिए जनसंपर्क करने रवाना हुए। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गहलोत हमेशा इसी अंदाज में लोगों से मिलने के लिए शहर की सड़कों पर निकलते रहे हैं। पूरे रास्ते सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोगों ने गहलोत का गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। जोरदार नारेबाजी के बीच में सीएम गहलोत घंटाघर पहुंचे। वहीं सीएम गहलोत ने घंटाघर में चुनावी सभा के माध्यम से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का समापन किया। प्रचार प्रसार है आज वो थम जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर का दौरा रहा है। वहां पर अपने पुत्र और जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी वैभव गहलोत के लिए सीएम अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया है। साथ में उनके लिए वोट करने की जनता से अपील की है। फतेहपोल से रोड शो का आगाज हुआ था। सीएम गहलोत ने ऑटो में सवार होकर रोड शो निकाला। जिस तरह सीएम गहलोत का उनकी परंपरा है, उनका नेचर है, वो बताता है कि जब भी चुनावों के अंतिम समय में वो हमेशा से जनता के बीच में जाते हैं और जनता से गले मिलकर के जनता की परेशानियों को सुनते हैं और जनता की परेशानियों को दूर करने का उन्हें आश्वासन देते हैं। वैभव की पत्नी और बेटी ने भी उन्हें वोट देने की अपील की है। वैभव की मां ने भी वोट मांगे हैं। जोधपुर में पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत की सांख पूरी तरह से दांव पर है, क्योंकि भाजपा की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस की ओर से वैभव गहलोत वहां पर प्रत्याशी हैं।